हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन गुरुजी क्लासेस। सो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आपका फिर से एक बार स्वागत है गुरुजी क्लासेस में। सो आज हम अपनी नेक्स्ट वर्कशीट करने जा रहे हैं। आज की वर्कशीट बहुत इंटरेस्टिंग है एंड बच्चों, ये आपकी 11th मार्च की वर्कशीट है, क्लास फर्स्ट की वर्कशीट है बच्चों। मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 44th है, क्लास फर्स्ट की, वीक 8th की। स्वीट्स यानी मिठाई से रिलेटेड आज की वर्कशीट है बच्चों। तो मिठाई खाना तो सभी बच्चों को पसंद होगा। आज हम बात करेंगे लड्डू के बारे में। तो लड्डू भी बहुत सारे बच्चों को पसंद होगा, मेरा फेवरेट लड्डू है। तो आइए आज लड्डू की वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। रीना कमरे में खेल रही थी। रीना एक बच्ची है, कमरे में खेल रही होती है, तभी उसे लड्डू की खुशबू आती है और वो रसोई की तरफ जाती है, लड्डू करते हुए जैसे मोटू जाता है। तो उसने देखा कि माँ जो है वो लड्डू बना रही थी। उसने खाने के लिए माँ से एक लड्डू मांगा। रीना को लड्डू बहुत पसंद थे। अब क्या आपको लड्डू पसंद है? तो भाई मैं तो हाँ लिखूंगा, मुझे तो पसंद है। अब आपको पसंद है तो आप भी हाँ लिख दें, वरना ना लिखो। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब आपसे पूछा गया आप एक बार में कितने लड्डू खा सकते हो, कितने लड्डू खा सकते हो, कितने चित्र बनाओ उसके। तो भाई मैं 3 लड्डू खा सकता हूँ। तो 3 लड्डू आप चित्र बना देंगे, 1 लड्डू 2 लड्डू 3 लड्डू, 3 लड्डू खा लेंगे। अब माँ ने रीना को अपनी मदद के लिए कहा कि माँ लड्डू बना रही होती है, रीना उन्हें डब्बे में रख रही थी। हर डिब्बे में 10 ही लड्डू आते हैं। माँ ने कहा पहले डिब्बे में मैं 8 लड्डू रखूंगी। अब रीना कितने लड्डू और रखेगी डिब्बे में? एक डिब्बे में 10 होते हैं, तो 10 - 8 2 लड्डू और रखेगी। अब 7 लड्डू डिब्बे में थे, कितने लड्डू और आएंगे, कितने लड्डू रीना रखेगी? अब रखेगी 3। अब 3 लड्डू थे डिब्बे में, तो रीना कितने और रखेगी? 7। अब 5 लड्डू थे डिब्बे में, तो रीना और कितने रखेगी? 5। तो आप इस तरह से सब्ट्रैक्शन के तरीके से ये वर्कशीट को करेंगे। अब हम मिलेंगे आगे की वर्कशीट के संग बच्चों, तब तक के लिए बाय एवरीवन। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हैव अ नाइस डे।